अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह। किसे बचाते बचाते जीते हो जाएगा घायल, क्यों तारा सिंह छुपाएंगे जीते का राज, कैसे होगा कहानी का अंत। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, कल की वीडियो में हम सभी ने देखा था कि किस तरह जीते अपने पिता की मदद से स्कूल को आतंकवादियों से मुक्त करवा पाया था। दोस्तों, आतंकवादी के मर जाने के बाद सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं। जो पहले जीते के दुश्मन बने बैठे थे वो उसके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि सभी गाँव वाले अपने सरपंच यानी कि तारा सिंह का भी सम्मान करते हैं। लेकिन फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सभी को पता चलता है कि स्कूल की प्रिंसिपल अभी बाहर नहीं निकली है और सभी लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। तो उसमें से एक बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और देखता है कि प्रिंसिपल बेहोश होकर जमीन पर पड़ी है और उसके बॉडी पर आतंकवादियों ने बम फिट कर दिए हैं। ये देखकर एक बार फिर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उस बम में सिर्फ एक मिनट का टाइम रह जाता है फटने के लिए। जीते, जिसे बम डिफ्यूज करने का भी एक मेथड नहीं पता था, वो अपनी जान की बाजी लगाकर बम को डिफ्यूज करने चल पड़ता है। और हम सभी जानते हैं कि कोई हीरो अगर बम डिफ्यूज करे तो वो जरूर डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ खेल कुछ उल्टा दिखाया जाएगा। बम तो डिफ्यूज हो जाएगा और प्रिंसिपल भी वहां से फ्री हो जाएगी, लेकिन उस बम के शिकारी बन जाएंगे हमारे जीते। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वो बम को डिफ्यूज करेंगे वैसे ही वो बम उनके हाथ में फट जाएगा और वो वहीं घायल होकर गिर जाएंगे। घबराहट में सभी लोग उन्हें बचाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाएंगे, लेकिन वो शहीद हो गया। उसने सबको बचा लिया और खुद की जान कुर्बान कर दी। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि देश की सेना के जवान मिलकर तारा सिंह को ऑनर करेंगे और शहीद जीते सिंह को सलामी देंगे और हम एक नया सितारा खो बैठेंगे। और ऐसे कहानी होगी एंडिंग। आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो और सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। अगर आपको मेरी बताई हुई कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।